हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच बी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं SRH वर्सेस TC के मैच के बारे में। चलिए देख लेते हैं वेन्यू और पिच रिपोर्ट। फ्रेंड्स, ये मैच होगा आपको चेन्नई स्टेडियम में, ठीक है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगा, स्पिनर्स को और फेसर्स दोनों को सपोर्ट मिलेगा इस ग्राउंड से, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इस ग्राउंड पे बेस्ट बैट्समैन का परफॉर्मेंस कौन कौन सा किया है। जॉनी ब्रेस्टो 4 मैच 43 का एवरेज, मनीष पांडे 3 मैच 33 का एवरेज, स्टीव स्मिथ 1 मैच 33 रन, डेविड वार्नर 4 मैच 32 का एवरेज, शिखर धवन 2 मैच 32 का एवरेज, ललित यादव 1 मैच 22 रन। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बॉलर्स का परफॉर्मेंस कैसा है इस ग्राउंड पे। खलील अहमद 2 मैच 2 विकेट पर मैच ले जाते हैं, अमित मिश्रा 2 मैच 2 विकेट पर मैच इनका भी है, सुचिता 1 मैच 2 विकेट, आविश खान 1 मैच 2 विकेट, राशिद खान 1 मैच में 1.3 विकेट का रेशियो है इनका, भुवनेश्वर कुमार 4 मैच में 1.08 विकेट। तो भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, ठीक है, इस ग्राउंड पर। अब चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कितना टोटल बन सकता है इस ग्राउंड पर। एवरेज टोटल स्कोर 143 का है इस ग्राउंड पर, वहीं फर्स्ट इनिंग स्कोर बात की जाए तो 148 है। इस ग्राउंड पे आपको 150 के समथिंग स्कोर बनता हुआ दिखेगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है वो 80% जीतती है, ऐसा इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं दोनों टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स के बारे में। शिखर धवन प्रदीप से ओपन करेंगे, स्टीव स्मिथ फर्स्ट डाउन, ऋषभ पंत, मार्कस स्टॉनिक, ललित यादव, सिमरन हेटमायर, रविचंद्र अश्विन, अमित मिश्रा, खगिशोर अवाड़ा, आविश खान, ये दिल्ली के प्रॉपरबल प्लेइंग 11 होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के प्लेयर्स का। डेविड वार्नर, जॉनी ब्रेस्टो ओपन करेंगे, केन विलियमसन फर्स्ट डाउन, विराट सिंह, केदार जाधव, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, सिद्धार्थ गोल, ये इनके प्रॉपरबल प्लेइंग 11 होने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस ग्राउंड पे रिसेंट 5 मैचेस के बारे में। मैच नंबर 1, मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब, पेसर्स को 3, स्पिनर्स को 4। मैच नंबर 2, पंजाब वर्सेस हैदराबाद, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 4। जॉनी ब्रेस्टो 63 बनाए इसी ग्राउंड पे और डेविड वार्नर 37। खलील अहमद को 3 विकेट मिला है, अभिषेक शर्मा को 2 विकेट। मैच नंबर 3, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 7, शिखर धवन 45, स्टीव स्मिथ 33, ललित यादव 22, अमित मिश्रा को 4 विकेट मिले हैं, आविश खान को 2 विकेट मिले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा आपको स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को सपोर्ट इस ग्राउंड से वो आपको दिख रहा है, स्पिनर्स अमित मिश्रा 4 विकेट लेके गए थे। मैच नंबर 4, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर, पेसर्स को 7, स्पिनर्स को 5। मैच नंबर 5, मुंबई इंडियंस वर्सेज सनराइज हैदराबाद, पेसर्स को 7 विकेट, स्पिनर्स को 6 विकेट। जॉनी ब्रेस्टो 43, डेविड वार्नर 36, विजय शंकर 28, और विजय शंकर 2 विकेट भी ले गए थे 3 ओवर बॉलिंग करके, मुजीबुर रहमान 2 विकेट। अब टोटल विकेट की रेशियो को देखा जाए तो पेसर्स को 28 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 26। तो आप इस बात को ध्यान में बना के अपनी टीम को क्रिएट करना, पेसर्स और स्पिनर्स तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा से होना चाहिए क्योंकि दोनों को इस ग्राउंड से हेल्प है। वहीं एवरेज फर्स्ट इनिंग की स्कोर की बात करी जाए तो 148 है, सेकेंड इनिंग का 139, तो कुछ खास है नहीं ज़्यादा। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस ग्राउंड पे प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड। ऋषभ पंत 3 इनिंग 70 रन 24 का एवरेज इस ग्राउंड पे, हेड टू हेड की बात करी जाए तो 12 इनिंग 394 रन 44 का एवरेज। तो पंत का हेड टू हेड में एवरेज बहुत अच्छा है, आप इन्हें अपनी टीम में जरूर ट्राई करना। सैम बेलिंग खेलेंगे नहीं, धवन 9 इनिंग 335 रन 48 का एवरेज है इस ग्राउंड पे, हेड टू हेड के 6 इनिंग में 148 रन 25 का एवरेज। तो धवन भी अच्छे खासे प्लेयर होंगे आपके लिए, इनका एवरेज और सब इन ग्राउंड पे परफॉर्मेंस भी अच्छा है। स्टीव स्मिथ 9 इनिंग 230 रन 33 का एवरेज, 10 इनिंग हेड टू हेड की इनिंग्स में और 273 रन 30 का एवरेज। तो स्टीव स्मिथ का भी एवरेज अच्छा खासा है।
पृथ्वी 100, दो मैच दो इनिंग, 11 रन, 6 का एवरेज है इस ग्राउंड पे पृथ्वी 100 का, और हेड टू हेड के 6 इनिंग्स में 147 रन 25 का एवरेज, तो कुछ खासा है नहीं, फ्लॉप प्लेयर बोल सकते हो आप इन्हें। हिट मैर 3 इनिंग 40 रन, हेड टू हेड के दो हेड टू हेड की बात करी जाए तो 5 इनिंग में 163 रन और 41 का एवरेज, तो हेड टू हेड में अगर इनको बॉटिंग का चांस मिलेगा तो आपको अच्छे खासे स्कोर करके देंगे। रहाणे बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं, इन्हें बैटिंग भी नहीं मिलती है, ठीक है। 5 इनिंग 98 रन, 11 का एवरेज, हेड टू हेड की बात करी जाए तो 16 इनिंग में 387 रन 97 रन और 27 का एवरेज, वैसे इनको बैटिंग मिलती नहीं है, ठीक है, ये दोनों खेलेंगे नहीं। मार्कस स्टॉनिक 3 ओवर 1 विकेट, 3 इनिंग 54 रन 18 का एवरेज, 11 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट ले गए हैं, तो मार्कस स्टॉनिक आपको बैटिंग या बॉलिंग दोनों में से किसी से पॉइंट दे देंगे, ठीक है, अगर खेले तो। आप चाहे तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अक्षर पटेल 2 मैच 18 रन 9 का एवरेज, 7 ओवर 2 विकेट इस ग्राउंड पे, हेड टू हेड में 11 इनिंग 134 रन 20 का एवरेज, 47 ओवर बॉलिंग करके 9 विकेट ले गए, तो कुछ खासा है नहीं इनका रिकॉर्ड, हालांकि स्पिनर्स को सपोर्ट है तो आपको विकेट दे के खेल सकते हैं। ललित यादव 1 इनिंग 22 रन 22 का एवरेज, 4 ओवर 1 विकेट, तो कुछ खास इनका भी है नहीं। क्रिस मॉरिस 2 इनिंग 7 रन 3 का एवरेज, 8 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट ले गया, तो क्रिस मॉरिस सबको बॉलिंग या बैटिंग दोनों से पॉइंट देंगे, ठीक है, आप इन्हें अपनी टीम में जरूर ट्राई करना। बात कर लेते हैं अमित मिश्रा का, जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट ले गया था इसी ग्राउंड पे, 24 ओवर 10 विकेट, हेड टू हेड के 36 ओवर में 8 विकेट, तो हेड टू हेड में इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, हालांकि ये पिच आज इनको सपोर्ट करेगा तो अच्छे खासे विकेट लेके दे सकते हैं आज आपको। आबिस खान 2 ओवर 2 विकेट, हेड टू हेड के 3 ओवर में 0 विकेट, तो हेड टू हेड में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं। ईशांत शर्मा खेलेंगे नहीं, रबाडा भी नहीं खेलेंगे, रविचंद्रन अश्विन 167 ओवर 51 विकेट, 50 ओवर हेड टू हेड के 9 विकेट, तो ये भी फ्लॉप प्लेयर है। अस्टल नॉर्थ एज खेलेंगे नहीं, उमेश यादव भी नहीं खेलेंगे, लुकमान भी नहीं खेलेंगे, मनीवन सिद्धांत का कोई रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं फिलहाल अवेलेबल, जब होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टॉम करन 3 ओवर में 2 विकेट, प्रवीण दुबे का कोई रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं अवेलेबल। अब बात कर लेते हैं सनराइज हैदराबाद के प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे और हेड टू हेड में कैसे होते हैं। जॉनी ब्रेस्टो 5 इनिंग 173 रन 43 का एवरेज है इस ग्राउंड पे, तो अच्छा खासा एवरेज है, हेड टू हेड के 3 इनिंग में 142 रन 47 का एवरेज, तो जॉनी ब्रेस्टो आज आपके लिए वीसी के लाइक हो सकते हैं, क्योंकि इसका एवरेज देखो 43 में इस ग्राउंड पे है और हेड टू हेड में 47 है, तो बहुत अच्छा स्कोर एवरेज है इनका। साहा 13 इनिंग में 74 रन 17 का एवरेज इस ग्राउंड पे, हेड टू हेड के 2 इनिंग में 95 रन 48 का एवरेज, तो हेड टू हेड में ये अच्छा खेलते हैं साहा, ये खेलेंगे नहीं। केन विलियमसन के 3 इनिंग 70 रन, हेड टू हेड के 5 इनिंग में 150 रन 38 का एवरेज, तो हेड टू हेड में इनका परफॉर्मेंस अच्छा है और बैटिंग भी ये फर्स्ट डाउन करने के लिए आएंगे। डेविड वार्नर 15 मैच के 15 इनिंग में 521 रन 37 का एवरेज है इस ग्राउंड पे, हेड टू हेड के 5 इनिंग में 174 रन 35 का एवरेज है, तो अच्छा खासा प्लेयर्स है ये भी डेविड वार्नर। मनीष पांडे 11 इनिंग 246 रन 31 का एवरेज, 5 इनिंग हेड टू हेड के 108 रन 27 का एवरेज, तो मनीष पांडे का भी एवरेज ठीक ठाक है। विराट सिंह 1 इनिंग 11 रन, हेड टू हेड के 2 इनिंग में 2 रन 48 रन 24 का एवरेज है इनका, यहाँ पे गलती से 48 लिखा गया, ठीक है, तो कुछ खास है नहीं विराट सिंह का रिकॉर्ड। जैसन रॉय खेलेंगे नहीं, केदार यादव भी खेलेंगे नहीं, प्रियान गर्ग भी नहीं खेलेंगे, अब्दुल समाद भी नहीं खेलेंगे। जब बात कर लेते हैं जैसन हॉल्डर का, 1 इनिंग 4 रन 4 का एवरेज है इस ग्राउंड पे, 4 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट भी ले गए हैं इसी ग्राउंड पे, ठीक है, 1 इनिंग 11 रन 11 का एवरेज, 8 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट ले गए हैं, तो फ्रेंड्स जैसन हॉल्डर एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपको बैटिंग या बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे, इन्हें आप अपनी टीम में जरूर ट्राई करना, इन्हें आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है, इनका रिकॉर्ड रिसेंट परफॉर्मेंस देख लो कितना अच्छा है।
विजय शंकर 7 इनिंग 130 रन, 19 का एवरेज इस ग्राउंड पे। हेड टू हेड के 8 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट ले गए हैं। हेड टू हेड के 3 इनिंग में 42 रन, 14 का एवरेज, 4 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट ले गए हैं। तो विजय शंकर भी एवरेज प्लेयर कह सकते हो आप इन्हें। मोहम्मद नबी खेलेंगे नहीं, हालांकि आज खेल सकते हैं पिच को देखते हुए, ठीक है। फिर भी हम इसका बात कर लेते हैं। 1 इनिंग 14 रन, 4 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट ले गए हैं इस ग्राउंड पे। 37 रन, 8 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट ले गए अपोनेंट के खिलाफ। तो इसके खिलाफ ठीक ठाक रिकॉर्ड है, आज उम्मीद है कि खेल सकते हैं मोहम्मद नबी। खेलेंगे तो आप इन्हें ट्राई करना। अभिषेक शर्मा 1 इनिंग इस ग्राउंड पे 2 रन, 2 का एवरेज, 5 ओवर बॉलिंग किए हैं और 2 विकेट लेके गए हैं। हेड टू हेड के 2 इनिंग में 3 रन, 5 ओवर बॉलिंग किए, 1 विकेट मिला है। तो कुछ को आशा ही नहीं, हालांकि पिछले मैच में इन्हें 2 विकेट मिला था इसी ग्राउंड पे। भुवनेश्वर कुमार 65 ओवर, 6 विकेट, 16 ओवर हेड टू हेड के और 8 विकेट। तो एवरेज प्लेयर कह सकते हो आप इन्हें। खलील अहमद जिन्होंने पिछले मैच में विकेट अच्छी खासे निकाले थे, 16 ओवर 4 विकेट इसी ग्राउंड पे और हेड टू हेड के 11 ओवर में 6 विकेट। तो खलील अहमद रिसेंटली विकेट निकाल रहे हैं और ये फॉर्म में भी वापस आ गए हैं। संदीप शर्मा खेलेंगे नहीं, सिद्धार्थ कौल 8 ओवर 1 विकेट, हेड टू हेड के 4 ओवर में 2 विकेट। नटराजन 19 ओवर 6 विकेट, हेड टू हेड के 12 ओवर में 3 विकेट। तो नटराजन आपके लिए एवरेज प्लेयर होंगे। शहबाज अहमद 8 ओवर 1 विकेट, हेड टू हेड के 5 ओवर में 1 विकेट। राशिद खान आज खेल सकते हैं, ठीक है। 20 ओवर 6 विकेट, हेड टू हेड के 24 ओवर में 11 विकेट। तो राशिद खान अगर खेले तो आप इन्हें ट्राई करना। थम्पी खेलेंगे नहीं, जगदीशन खेलेंगे नहीं, मुजीबुर रहमान 4 ओवर 2 विकेट मिला है इनको इसी ग्राउंड पे, ठीक है। बात कर लेते हैं हम दिल्ली के प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा। ऋषभ पंत 25, 30, 15, 51, 15, 8। ऋषभ पंत का 150, 130, 125 3 इनिंग को छोड़ के ये बाकी में सब में फ्लॉप रहे हैं। फिर भी तो आप इन्हें एवरेज प्लेयर कह सकते हो ऋषभ पंत को। सैम बिलिंग खेलेंगे नहीं। धवन 0, 4, 85, 9, 92, 45। धवन लास्ट 2 इनिंग में अच्छे खासे फॉर्म में आ गए हैं, तो आप इन्हें अपनी टीम में ज़रूर रखना है। ये एवरेज प्लेयर के रूप में है और बड़े प्लेयर भी हैं, आपको अच्छे खासे पॉइंट करके कभी भी दे सकते हैं। स्टीव स्मिथ 12, 46, 24, 9, 32। 1 9 को छोड़ दिया जाए और 1 12 इनिंग को छोड़ दो, 3 इनिंग में ठीक ठाक इसका एवरेज है। तो एवरेज स्टीव स्मिथ को एवरेज प्लेयर कह सकते हो। पृथ्वी शो 10, 9, 0, 72, 2, 32, 7। पृथ्वी शो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें फ्लॉप प्लेयर के लिस्ट में शामिल कर सकते हो। 11, 42, 0, 35, 0, 14। सिमरन हेटमायर को चांस नहीं मिल रहा, हालांकि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं और इनका रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा खासा है अगेंस्ट इस टीम के। अजिंक्य रहाणे 26, 60, 3, 0, 2, 8। तो अजिंक्य रहाणे का लास्ट के 2 इनिंग को छोड़ के बाकी 2 इनिंग में फ्लॉप रहे हैं। रिपन पटेल 29, 14, 32, 29। विष्णु खेलेंगे नहीं। मार्कस स्टॉनिक 9 रन, 19 रन, 26 रन, 14 रन, 0 रन, 27 रन। इन दोनों मैचेस में इन्हें बॉलिंग मिला नहीं, 0 विकेट 0 विकेट बॉलिंग किया नहीं, फिर से लास्ट मैच में 1 विकेट मिले हैं। तो मार्कस स्टॉनिक को आप एवरेज प्लेयर कह सकते हो, हालांकि रिकॉर्ड इनका कुछ खास है नहीं। अक्षर पटेल 0 रन 0 रन, 36 रन, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। अक्षर पटेल को भी एवरेज प्लेयर कह सकते हो आप, हालांकि आज इन्हें स्पीड से आज इनको कुछ हेल्प मिल सकती है। ललित यादव 9, 9, 20, 12, 22, 0 विकेट 0 विकेट, 3 विकेट। इस मैच में इन्हें बॉलिंग नहीं मिला, 0 विकेट 1 विकेट। तो कुछ खास है नहीं ललित यादव का। क्रिस वॉक्स 21, 57, बैटिंग नहीं मिला इस मैच में। 15 इस मैच में ही बैटिंग नहीं मिला, 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। फ्रेंड्स, क्रिस वॉक्स जो हैं वो आपको बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से नहीं किसी न किसी से पॉइंट दे के ही जाएंगे, ठीक है। आप इनसे 1 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अमित मिश्रा जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट ले गए थे, 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट, इनका पिछले मैच का रिकॉर्ड है जिसमें 4 विकेट ले गए थे। और आज भी उम्मीद है ये अच्छी खासी विकेट निकाल के ले जा सकते हैं क्योंकि पिच इनके हिसाब से सूटेबल है, ठीक है। आविस खान 4 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। आविस खान देखो एक ऐसे प्लेयर है जो हर मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं,
एक भी मैच ऐसा नहीं जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला है, तो आप इन्हें कैप्टन के रूप में भी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, ठीक है। ईशांत रवाडा खेलेंगे नहीं, अश्विन 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, तो अश्विन फ्लॉप प्लेयर है। एस्टन नॉर्थ है जिनमें से यादव दोनों नहीं खेलेंगे, लुकमान हसन भी नहीं खेलेंगे, मनी रमन सिद्धार्थ 4 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट। मनी रमन सिद्धार्थ का रिकॉर्ड वो काफ़ी अच्छा खासा है, अगर ये खेले तो आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। टॉम करन 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, टॉम करन को फ्लॉप प्लेयर आप कह सकते हो, प्रवीण दुबे खेलेंगे नहीं। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हैदराबाद के प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। जॉनी ब्रेस्टो 20 40 25 7 55 12 43 63, तो जॉनी ब्रेस्टो भी अच्छे खासे फॉर्म में है, आप इन्हें स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग दोनों में कैप्टन बीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। साहा 30 87 39 58 7 1, साहा का 2 इनिंग पे छोड़ दो तो पिछले 5.5 इनिंग्स में अच्छे खासे रिकॉर्ड है इनके। बात कर लेते हैं अब केन विलियमसन का, 53 9 8 0 19, डेविड वॉर्नर। केन विलियमसन का सिर्फ कुछ खास फॉर्म है नहीं, बट प्लेयर्स बहुत बड़े हैं, ये कभी भी आपको स्कोर करके दे सकते हैं। बात कर लेते हैं डेविड वॉर्नर का, 85 17 2 3 54 36 37, तो डेविड वॉर्नर का लास्ट 3 इनिंग काफ़ी अच्छा गया है, ये फॉर्म में आ गए हैं, आपकी टीम में मस्ट पिक होने वाले ये प्लेयर। मनीष पांडे 24 21 2 61 38 2, मनीष पांडे एवरेज प्लेयर है। विराट सिंह 47 103 67 10 11, तो फ्रेंड्स विराट सिंह जो है इन्हें आप ग्रैंड लीग में ऐसे कैप्टन ट्राई कर सकते हो, अगर लोगों ने कम इसके पिक किया होगा और आप इन्हें पिक करोगे तो ये अच्छी खासी स्कोर दे सकते हैं। देख लो 167 का स्कोर है, 100 है, 147 है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो विराट सिंह कितना अच्छे प्लेयर्स है। जसन रोई खेलेंगे नहीं, किधर यादव खेलेंगे नहीं, प्रेम गर्ग खेलेंगे नहीं, अब्दुल समाद खेलेंगे नहीं। बात कर लेते हैं जैसन हॉल्डर का, 29 9 14 4, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। जैसन हॉल्डर आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देंगे, ठीक है, ये आप इन्हें जरूर ट्राई करना स्मॉल लीग में भी ग्रैंड लीग में भी। विजय शंकर 52 4 11 3 28, इस मैच में इन्हें बैटिंग नहीं मिला, 1 9 0 0, तो विजय शंकर को फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में शामिल कर सकते हो। मोहम्मद नबी तो खेल नहीं, लेकिन आज खेलने के इनके चांसेस हैं, 7 रन 40 रन 2 रन 14 रन 0 रन 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, मोहम्मद नबी से विकेट एक्सेक्ट कर सकते हो, ठीक है, पिच इनके अकॉर्डिंग से कंट्रोल है। अभिषेक शर्मा 59 2 0 4 5 2, इस मैचेस में इन्हें बैटिंग मिली नहीं, लास्ट इनिंग में 2 विकेट है, तो अभिषेक शर्मा को भी फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में डाल सकते हो। भुवनेश्वर कुमार 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। भुवनेश्वर कुमार का परफॉर्मेंस एवरेज रहा है, ठीक है, आप इनसे 1 विकेट के लिए उम्मीद रख सकते हो कि 1 विकेट निकाल के देंगे। खलील अहमद 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, तो खलील अहमद को से भी आप उम्मीद रख सकते हो कि 1 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है इनसे। संदीप शर्मा खेलेंगे नहीं, सिद्धार्थ कौल 0 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। सिद्धार्थ कौल का परफॉर्मेंस बिल्कुल एवरेज रहा है और कंसिस्टेंसी रहा है इसके साथ, तो आप इनसे 1 विकेट की उम्मीद रख सकते हो, ठीक है। बात कर लेते हैं नटराजन का, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। नटराजन का भी परफॉर्मेंस बिल्कुल कंसिस्टेंस है, ये भी आपकी टीम में स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में दोनों में होने ही चाहिए, ठीक है। सहवाज अहमद 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, तो सहवाज अहमद का कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। राशिद खान 3 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। फ्रेंड्स राशिद खान के बारे में बता दूं मैं आपको, राशिद खान आज आपको बहुत ज़्यादा विकेट निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि ये पिच इनके अकॉर्डिंग सुटेबल है। बिसल थम्पी खेलेंगे नहीं, जगदीश सोचिस खेलेंगे नहीं। मुजीबुर रहमान का बात कर लेते हैं, 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 2 विकेट, तो मुजीबुर रहमान आपके लिए एवरेज परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो खत्म हो गई, अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स मेरे मेहनत का फल आपके हाथों में टिका हुआ है, ठीक है, आपको बस करना ये है कि ये वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।
ओके बाय बाय, नेक्स्ट बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।